अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो में मर्सिडीज़ बेंज का एक कोड आ रहा है प्रेशर सेंसर का, उसका फॉल्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। ये मर्सिडीज़ बेंज E550 है, तो इसमें वो कोड आ रहा है जो जिसकी वजह से चेक लाइट इंजन चेक लाइट आ रहा है बार बार, रिफ्रेश करने के बावजूद भी बार बार आ जा रहा है वापस। तो इस वीडियो में हम उसी का सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो का लास्ट तक ज़रूर बने रहें, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। मैं इस चैनल पे गल्फ से रिलेटिव वीडियो डालता रहता हूँ, गल्फ कार से रिलेटिव, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, निसान, फोर्ड, टोयोटा, सभी गाड़ियों का वीडियो डालता रहता हूँ, इलेक्ट्रीशियन से लेकर मैकेनिकल तक। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और गल्फ़ में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि सभी गल्फ कार का वीडियो मैं डालता रहता हूं। तो चलिए पहले कंप्यूटर में स्कैनर में इसका कोड देख लेते हैं। तो मैं स्कैनर लगा रखा हूं, ये रात का समय है तो थोड़ा स्क्रीन पे लाइट आ जा रहा है, तो अब इसको स्कैन कर लेते हैं पहले। तो जब तक स्कैन कर रहा है तब तक अगर जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही फ़ायदा आपको पहुंचेगा इंशाल्लाह। ये थोड़ा टाइम लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देख सकते हैं ये इंजन का बस एक ही फॉल्ट आ रहा है, तो ये फॉल्ट एक बार देख लेते हैं। ये टर्बल कोड पे ओके करेंगे, यहाँ से आपका फॉल्ट कोड आ जाएगा और क्या चीज़ का है वो नाम लिख के आ जाता है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है स्कैन करने में। तो देख सकते हैं स्कैन हो गया और यही कोड आ रहा है बार बार। तो ये सस्पेंस वाला कोड है, बहुत आदमी इसमें सस्पेंस में पड़ जाता है, जैसे मैं खुद सस्पेंस में पड़ गया था कि ये सेंसर का है कि बैटरी वायर का है, बहुत सस्पेंस में पड़ गया था मैं, उसके बाद इसका हल निकला। तो देख सकते हैं द प्रेशर सेंसर और द प्रेशर स्विच ऑफ द एवेपोरेटिव इमिशन EVAP तो समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ से ये जो शॉर्ट सर्किट टू बैटरी पॉजिटिव ये सस्पेंशन में ज़्यादा डाल रहा था मेरे को, तो लेकिन फिर भी सॉल्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो इसका ये वाला सेंसर, ये जो प्रेशर सेंसर दे रहा है, ये इसका तीन लोकेशन आता है, जैसे कि देख सकते हैं आप, मैं दिखा देता हूँ, मर्सिडीज़ में ही तीन जगह इसका लोकेशन देता है, किसी में देता है तो यहाँ पे देता है, यहाँ पे जैसे ये दे रखा है, ऐसे ही एक वाल्व यहाँ पे आता है एयर होस के पास में, यहाँ पे तो यहाँ पे देता है, या नहीं तो किसी किसी का देता है टायर में, ये वाला लेफ्ट राइट साइड टायर में देता है। ये अंदर का कवर खोलेंगे, अंदर का कवर खोलते हैं तो इसके अंदर देता है, और तीसरा देता है इधर कुर्सी के नीचे और पेट्रोल पंप के ऊपर। तो मैंने सोचा कि पहले इधर चेक कर लेता हूँ, तो मैंने चेक किया तो
पहले कुर्सी वर्सी खोल लिया, देख सकते हैं कुर्सी खोल के रखा हूँ ऊपर। कुर्सी खोलने के बाद ये कवर खोल लेंगे, ये कवर आता है जो इसके ऊपर आता है, तो देख सकते हैं इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं था। ये बहुत सी में सर्किट ओपन लिखता है, लेकिन इसमें सर्किट ओपन नहीं लिख रहा था, इसकी वजह से सस्पेंशन में पड़ गए थे, और जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा परेशान होना पड़ा। तो बस ये वायर निकला हुआ था, यानी कोई बंदा ये पेट्रोल पंप चेंज किया है, पेट्रोल पंप जो चेंज किया है तो इसमें शायद पेट्रोल चला गया था, जिसकी वजह से रबड़ हार्ड हो गया था। मैंने पहले लगाया तो लगा के छोड़ रहा था, वापस निकल जा रहा था, तो वही उसके साथ भी हुआ था, उस बंदे में गलती नहीं है। तो मैंने फिर रबड़ निकाल के फेंक दिया, देख सकते हैं अंदर का रबड़ निकाल के फेंक दिया मैंने। उसके बाद जी बैठ गया, तो अभी लगा के फिर दोबारा आपको फिर दोबारा स्कैन कर लेते हैं। पहले देख सकते हैं, पहले देख लेते हैं इसका चेक लाइट, नहीं तो स्टार्ट कर दिया। अभी कोड नहीं दिखा रहा है, मैं इसके पहले लगा के क्लियर किया था, इसकी वजह से नहीं आ रहा है। अभी रनिंग में लेके जाएंगे तो फिर कोड वापस आ जाता है। तो देख सकते हैं ये कोड अभी है, इसको क्लियर करके देख लेते हैं। तो अभी तो क्लियर किए चला गया, लेकिन फिर वापस जाएंगे। वापस देखते हैं, कोड अभी नहीं दिखा रहा है, फिर बैग जाके वापस आते हैं। स्कैन तो देख सकते हैं फिर से कोड आने लगा, क्लियर किया, क्लियर करके बैग गया, फिर वापस आया तो क्लियर कोड आ गया। तो देख सकते हैं ये फिर वापस आ गया। तो अब फिर ये वाला वायर लगा के कोड करके स्टार्ट कोड एरेज करके, यानी कोड डिलीट करके फिर देखते हैं एक बार। वीडियो लंबा हो जाए तो माफ़ करिएगा, क्योंकि समझाने के लिए और बताने के लिए इतना लंबा हो रहा है। अभी इसको फिर क्लियर करते हैं, तो क्लियर हो गया, नो फॉल्ट। वापस जाते हैं बैक, इधर भी नहीं दिखा रहा है, नो फॉल्ट। फिर बैक जाते हैं, फिर ऑटो स्कैन करते हैं। ये थोड़ा प्रोग्रेसिंग, इसका रनिंग प्रोग्रेसिंग थोड़ा स्लो काम कर रहा है। बहुत स्लो स्कैन कर रहा है। तो देख सकते हैं अभी कोई भी फॉल्ट नहीं आ रहा है। अब स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं, स्टार्ट हो गया, सब सही है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसे वीडियो, नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जो लोग गल्फ में रहते हैं उनको भी शेयर करें,
अगर आप गल्फ में आने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो डालता रहता हूँ, हर हर काम का, छोटी बड़ी बड़ी सभी कामों का वीडियो डालता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।